गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में हमने हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में डिस्कस किया था। इस क्लास में हम सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हेडिंग डालिए सेंटर टैप। सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। तो सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होगा कि जो ट्रांसफॉर्मर की जो सेकेंडरी होगी उसको क्या किया जाएगा, टैप किया जाएगा। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर। तो यहां पर सबसे पहले मैंने ट्रांसफॉर्मर लिया, ठीक है, प्राइम, ठीक है। इसके बाद में यहां पर मैंने सेकेंडरी लिया, ठीक है, सेकेंडरी लिया। अब यहां पर डायोड की संख्या कितनी रहेगी, दो रहेगी, डायोड D1 और डायोड D2, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को यहां से मैंने क्या कर दिया है, शॉर्ट कर दिया, ठीक। अब लोड संयोजित करना आपको, तो एक टर्मिनल आपने यहां से निकाल लिया और दूसरा टर्मिनल यहां से निकाला, ठीक है। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी क्या है, यहां से टैप्ड है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, सेंटर टैप। और यहां पर आपने लोड संयोजित कर दिया, रेजिस्टिव लोड आर एल, ठीक है। इसके अक्रॉस यहां पर आप क्या ले रहे हो, आउटपुट वोल्टेज वी जीरो, क्या ले रहे हो, आउटपुट वोल्टेज वी जीरो। इसे नाम दे दिया हमने डायोड डी वन और इसे नाम दे दिया डायोड डी टू, ठीक है। और यहां पर आपने सप्लाई दी V इन इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, ठीक है। और इसकी प्रकृति कौन सी है, इनपुट की एसी प्रकृति है, ठीक है, प्लस माइनस V in। इसका ये जो मैग्नीट्यूड है यानी आयाम है वो क्या है, Vm, क्या है, Vm। तो अब देखिए सबसे पहले हमारा क्या आएगा यहां पे इनपुट में, पॉजिटिव हाफ साइकिल, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल फर्स्ट केस देखते हैं, पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में यहां पर पॉजिटिव आएगा, तो यहां पर प्लस माइनस, प्लस और माइनस, तो यहां की वोल्टेज क्या रहेगी, वीएम, वोल्टेज क्या रहेगी, वीएम। तो देखिए जो डायोड डी वन है उसका पी भाग पॉजिटिव से है और डायोड डी टू है उसका पी भाग किससे जुड़ा है, नेगेटिव से। तो आपका डायोड डी वन तो क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस, और डायोड डी टू क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस। और इसका सर्किट कैसे बनेगा,
इस प्रकार से आपका क्या होगा, सर्किट कंप्लीट होगा। इस केस में ये क्या रहेगा, ओपन। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड डी वन तो आपका क्या होगा ऑन, एंड डी टू क्या होगा ऑफ होगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है, नेगेटिव हाफ साइकिल, क्या आएगा, नेगेटिव हाफ साइकिल। तो नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो यहां पर ध्रुवता क्या हो जाएगी, परिवर्तित। तो यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस प्लस, और आयाम क्या रहेगा, वीएम वीएम। तो अब की बार क्या है, डायोड डी टू है, उसका पी भाग किससे जुड़ा है, पॉजिटिव से, और डायोड डी वन का जो पी भाग है किससे जुड़ा है, नेगेटिव से। तो अब की बार फॉरवर्ड कौन होगा, डी टू, और रिवर्स कौन होगा, डी वन होगा। तो यहां पर अब की बार जो सर्किट बनेगा वो किस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से आपका सर्किट क्या होगा, कंप्लीट होगा। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, डायोड डी वन तो क्या रहेगा ऑफ, एंड डायोड डी टू क्या रहेगा ऑन रहेगा, ठीक है। अब यदि हम बात करते हैं वेव फॉर्म की, सेकंड पॉइंट आपका है वेव फॉर्म, ठीक है। तो यहां पे क्या था, V in, पॉजिटिव नेगेटिव और वापस से पॉजिटिव, ठीक है। और इधर आपका क्या है, टाइम T, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, V m। तो अब हमें क्या लेना है, आउटपुट वोल्टेज, क्या लेना है, आउटपुट। तो हमने देखा कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड डी वन ऑन होता है और डी टू क्या हो जाएगा, ऑफ। तो यहां पर तो वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, वीएम, और यहां पर ये डायोड ऑन होने के कारण शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो टोटल वोल्टेज कहां मिलेगी आपको, आउटपुट में। तो यहां पर क्या आएगा, इसका आयाम क्या है, VM। तो यहां पे क्या लिखेंगे, डायोड डी वन ऑन और डी टू क्या होगा, ऑफ होगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल की। तो नेगेटिव हाफ साइकिल में डी वन क्या रहेगा, ऑफ, डी टू क्या रहेगा, ऑन। तो VM वोल्टेज इसके समांतर में ड्रॉप हो जाएगा और यहां की जो VM है वो कहां मिलेगी आपको, आउटपुट में मिलेगी। तो सेम यहां पर आ जाएगा, ठीक है। तो D1 अब की बार क्या होगा, ऑफ, और D2 क्या होगा, ऑन। तो ये क्रम क्या होगा, लगातार चलता रहेगा, ठीक है। अब यदि हम बात करें आउटपुट करंट की, बात करते हैं किसकी बात करते हैं, आउटपुट करंट की। तो देखिए लोड कौन सा है, रेजिस्टिव लोड है। तो रेजिस्टिव लोड के केस में हमेशा वोल्टेज और करंट दोनों ही क्या रहेंगे, सेम फेज में रहेंगे। तो यहां पर वेवफॉर्म सेम आएगी, वेवफॉर्म क्या आएगी, सेम आएगी, लेकिन आयाम क्या हो सकता है, कम या ज्यादा हो सकता है। तो यहां पर जो इसका आयाम होगा, आयाम वो क्या होगा, Vm बटे R होगा।
Vm बटे क्या होगा, R होगा। तो इस प्रकार से आप क्या बना सकते हो, वेव फॉर्म बना सकते हो। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट, नंबर ऑफ डायोड। तो डायोड की संख्या कितनी है यहां पर, दो। और फोर्थ पॉइंट आता है आपका यहां पर आउटपुट फ्रीक्वेंसी। आउटपुट फ्रीक्वेंसी, तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी ज्ञात करनी है, तो एफ आउटपुट बराबर क्या होता है, एम एफ इनपुट। तो पिछली क्लास में मैंने बताया था यहां पर एम क्या होता है कि एक साइकिल में अधिकतम शिखर मानों की क्या होती है, संख्या होती है। तो ये साइकिल जैसे इनपुट में दिया आपने, यहां से स्टार्ट होता है और यहां पर क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो इसमें आउटपुट में अधिकतम शिखर मान कितने हैं, दो हैं। तो यहां पर m का मान क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। तो f आउटपुट बराबर क्या हो जाएगा, टू f इनपुट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टू f इनपुट हो जाएगा। ये बात है हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। तो यदि आपकी इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो आउटपुट कितना होगी, 100 हर्ट्ज होगी। तो ध्यान में रखना है कि हाफ वेव में तो हमेशा आउटपुट और इनपुट सेम रहती है, और सेंटर टैप फुल में हमेशा क्या हो जाती है, दो गुनी हो जाती है। कितना गुना हो जाता है, दो गुना हो जाता है। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना है। अब देखिए नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट आता है आपका यहां पर, नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट। तो हम बात करते हैं एवरेज वैल्यू की, एवरेज वैल्यू। तो मैंने बताया था कि औसत मान हमेशा ध्यान में रखना है कि यदि आकृति क्या होती है, समरूप होती है, तो आधे चक्र की ही ली जाती है। तो यहां पर हमने V एवरेज बराबर Vm बटे पाई पढ़ा था, किसका, हाफ का। तो अब की बार क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, तो 2Vm बटे क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। और यहां पर दो गुणा 3.318 Vm, तो पहले का क्या हो गया, दो गुना, तो 6.36 क्या आ जाएगा, Vm आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार 6 आपका क्या होगा, RMS वैल्यू। तो आप RMS वैल्यू निकालोगे तो VRMS हाफ का क्या आया था, Vm बटे 2 आया था। अब की बार क्या हो जाएगा, इसका रूट 2 हो जाएगा। तो रूट 2 निकालोगे तो कितना है होगा, 0.707 Vm हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या आ चुका है, RMS वैल्यू आ चुका है। इसके बाद में आपका जो सेवंथ पॉइंट होगा, कौन सा, सातवां पॉइंट, वो क्या है, फॉर्म फैक्टर। सात नंबर पॉइंट कौन सा है, फॉर्म फैक्टर। तो फॉर्म फैक्टर निकालना हो तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्म फैक्टर इक्वल टू आरएमएस वैल्यू बटे एवरेज वैल्यू। क्या होगा, एवरेज वैल्यू, ठीक है। तो आरएमएस वैल्यू रखेंगे हम 0.707 वीएम डिवाइड बाय 0.636 वीएम, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1.11 आ जाएगा, ठीक है। और एट पॉइंट हम क्या निकालेंगे, रिपल फैक्टर। क्या निकालेंगे, रिपल फैक्टर, ठीक है। तो रिपल फैक्टर इक्वल टू क्या होता है, अंडर द रूट
फॉर्म फैक्टर की होल स्क्वायर माइनस वन। तो यहां पर हम वैल्यू पुट करेंगे तो 1.11 की होल स्क्वायर माइनस वन करोगे तो 0. क्या जाएगा? 48 आ जाएगा। ठीक है, तो रिपल फैक्टर आ चुका है। इसके बाद में नाइन्थ पॉइंट हमें ध्यान में क्या रखना है कि आपकी जो एफिशिएंसी होती है, नाइन्थ पॉइंट एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होगा? पी आउटपुट बटे पी इनपुट। ठीक है, परसेंटेज में निकालोगे तो गुणा क्या होगा? 100। तो यहां पर पहले हाफ की कितनी आई थी? 40.6%। अब क्या हो रहा है? फुल, तो मल्टीप्लाई 2, कितना हो गया? 81.2% हो चुका है। कितना हो चुका है? 81.2% हो चुका है। ठीक है, अब यदि बात करें हम किसकी, आपका 10 नंबर पॉइंट आता है पीक फैक्टर। पीक फैक्टर, तो पीक फैक्टर इक्वल टू क्या होता है आपका? मैक्सिमम वैल्यू डिवाइड बाय आरएमएस वैल्यू। ठीक है, तो यहां पर आपका मैक्सिमम वैल्यू क्या है? वीएम, और आरएमएस वैल्यू क्या है? वीएम बाय रूट टू। ठीक है, वीएम बाय क्या है? रूट टू है। तो यहां पर वीएम से वीएम कैंसिल, तो क्या जाएगा? रूट टू। रूट टू का मान कितना था? 1.41। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके पीआईपी की। किसकी? पीआईपी की नंबर 11, पीआईवी, पीक इनवर्स वोल्टेज। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि जब डायोड आपका पश्च अभिनति में होता है या रिवर्स बायस की अवस्था में होता है, उस समय डायोड के समांतर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो ही क्या कहलाएगा? पीआईवी कहलाएगा। तो अब देखिए, पॉजिटिव हाफ साइकिल था, उस समय डायोड D1 ऑन था, D2 क्या था? ऑफ था, यानी ओपन था। तो उस समय यहां पर ड्रॉप कितना हुआ था? वीएम। और जब नेगेटिव हाफ साइकिल आया था तो डायोड D1 ऑफ हुआ था और D2 क्या हुआ था? ऑन हुआ था। तो यहां पर वोल्टेज ड्रॉप कितना हुआ था? वीएम हुआ था। तो टोटल पीआईवी कितना हो गया? वीएम प्लस वीएम कितना हो चुका है? 2 वीएम हो चुका है। तो हमेशा ध्यान में रखना कितना होता है? 2 वीएम। तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको आप 2 से गुना कराओगे। तो यहां पर सेंटर टेप फुल वेव में हमने देखा कि सबसे पहले कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड D1 ऑन होता है, D2 क्या रहता है? ऑफ रहता है। और उसके बाद में सेकंड पॉइंट में हमने वेव फॉर्म देखा था, तो वेव फॉर्म ड्रॉ की थी। उसके बाद थर्ड पॉइंट में हमने देखा था कि नंबर ऑफ डायोड कितने होते हैं, तो इसमें डायोड की संख्या कितनी रहती है? 2 रहती है। और जो फ्रीक्वेंसी होती है इसकी, आउटपुट फ्रीक्वेंसी, वो इनपुट का क्या हो जाता है? 2 गुना हो जाता है। उसके बाद में हमने देखा इसका औसत मान, आरएमएस मान। तो यहां पर परिवर्तित क्या होता है? फ्रीक्वेंसी, पीआईवी और आरएमएस और औसत मान, यही चेंज होते हैं। जबकि आपके जो फॉर्म फैक्टर है, रिपल फैक्टर है, पीक फैक्टर है, एफिशिएंसी है, भले ही आपको कोई भी वैल्यू दी हो, मैक्सिमम वैल्यू, लेकिन ये कभी भी चेंज नहीं होते हैं। तो इनको आप हमेशा थोड़ा, जब भी कोई भी एग्जाम हो तो रिवाइज कर लेना। इसके अलावा आपको आरएमएस और इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे ब्रिज रेक्टिफायर की। थैंक यू।